क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन, ठीक है, फोर साइडेड पॉलीगन। तो कहीं भी फोर साइडेड पॉलीगन हुआ उसे आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। इसकी चार साइड्स होती हैं, चार एंगल्स होते हैं, चार वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस चार, एंगल्स चार एंड साइड्स चार। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको इसका आंसर पता होगा 360 डिग्री। बट अगर आपको इसे प्रूव करना हो तो आप वो भी कर सकते हो बाय डूइंग दिस। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आपने एक डायगोनल खींची, इसने इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे वन एंगल, वन एंगल, टू एंगल, थ्री। इसका सम कितना होगा? सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, सम एंगल प्रॉपर्टी से इट इज़ 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंड फोर फाइव सिक्स, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, ये कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होगा। अब जब आप इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आएगा? एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, ये होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल वन प्लस फोर इज ए, एंगल टू है आपका एंगल डी, एंगल थ्री प्लस फाइव है एंगल सी एंड एंगल सिक्स है एंगल बी। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे प्रूव होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल है उनका सम 360 डिग्री होता है। और अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। सारे क्वाड्रिलेटरल्स को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। एक बारी मैं जल्दी से इनके नाम बता देता हूँ, फिर डिटेल में भी इनके बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। सॉरी, फर्स्ट है आपका ट्रेपीजियम, सेकंड है आपका पैरेललोग्राम, थर्ड है रेक्टेंगल, फोर्थ है आपका रोम्बस, फिफ्थ है स्क्वायर एंड जो सिक्स्थ नंबर पे है वो है आपका काइट। अब एक बारी इन्हें लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पे जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपको मैं इसमें ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं तो आप यहां देख सकते हो कि ये एंड ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये सिमिलर एरो जो मैंने बनाए हैं ये पैरेलल के लिए बनाता हूं। ये पैरेलल है एंड ये तो आपको दिख ही रहा है नॉन पैरेलल है। तो जब भी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड आपको दिखाई देगी, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो आप उसे क्या बोलोगे? ट्रेपीजियम, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में हो तो आप उसे ट्रेपीजियम बोलोगे। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड के अंदर आप देखो तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ठीक है, ये पैरेलल है, ये एंड ये आपस में पैरेलल है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ एस आर पैरेलल पी क्यू एंड इधर पी एस पैरेलल क्यू आर। तो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स थर्ड क्वाड्रिलेटरल में भी है, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स फोर्थ क्वाड्रिलेटरल में भी है एंड टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल में भी है। तो जब भी टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं तो आप उसे पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हो, पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो यहां पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ये तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो, स्क्वायर को भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए या फिर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे है। अब आते हैं हम थर्ड वाले डायग्राम पे जो कि हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पे टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तो हमें दिख ही रही हैं,
एक 90 डिग्री का एंगल ऑब्जर्व करने वाली बात है, एंगल एम 90 डिग्री। वो बात अलग है कि अगर ये 90 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। फिर इसकी हेल्प से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसकी हेल्प से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब टू किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एक एक भी 90 डिग्री है तो सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। बट अभी उस चीज को अलग रखते हैं, तो पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल, पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल, ये स्पेशल कंडीशन है पैरेललोग्राम की, आप इसे रेक्टेंगल बोलते हो। तो थर्ड वाला डायग्राम एक पैरेललोग्राम तो था ही, बट एक रेक्टेंगल भी होगा। ऑल राइट, थर्ड वाला हमने देख लिया रेक्टेंगल, जिसके अंदर जो कि एक पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री है। अब एक और स्पेशल केस देखते हैं पैरेललोग्राम का, फोर्थ। ये है पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। अगर पैरेललोग्राम भी हो और सारी साइड्स इक्वल हो तो इसे आप बोलोगे रोम्बस, इसका नाम है रोम्बस। तो ये पैरेललोग्राम भी है ये वाली फिगर, एंड रोम्बस भी है, ठीक है। तो रोम्बस होने के लिए क्या चीज जरूरी है? पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। फिफ्थ वाले पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। इसकी एक साइड 90 डिग्री है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा रेक्टेंगल। तो यस, रेक्टेंगल भी है, बट इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है, वो है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 या सारे 90, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में एक भी 90 होता है तो सब 90 होते हैं, बट फिर भी हम डेफिनेशन के लिए एक एंगल 90 डिग्री बोलते हैं। पैरेललोग्राम विद 190 डिग्री एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्पेशल पैरेललोग्राम को आप बोलते हो स्क्वायर। तो ये जो फिफ्थ डायग्राम है ये स्क्वायर है। एंड अब जो हमें स्टडी करना है लास्ट क्वाड्रिलेटरल, उसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए चाहिए थे हमें टू पैरेलल साइड, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे कोई भी टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं दिख रही हैं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर, अच्छा ये तो वही मैंने बता दिया, अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। इसकी खासियत क्या है काइट में? इसमें एडजेसेंट साइड्स अगर आप देखो तो ये इक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल है। एंड एक सेकेंड, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों। तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है, यहाँ पे सिर्फ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल है, और इसको आप बोलोगे काइट, इसका नाम है काइट। तो एक काइट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसे पैरेललोग्राम नहीं होना पड़ेगा, नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट अ पैरेललोग्राम, और दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमने सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे से पढ़ लिया है, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख सकते हो, इसकी पिक खींच सकते हो या इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जाऊंगा, जैसे इज स्क्वायर आर रेक्टेंगल, क्या आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो? तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो आप इसकी प्रॉपर्टी देखो कि रेक्टेंगल क्या होता है। एक पैरेललोग्राम होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है, यही तो दो चीजें थी। स्क्वायर में ये दोनों चीजें वैलिड हैं क्या? स्क्वायर के अंदर ये दोनों चीजें हैं, तो फिर इसका आंसर है यस। नेक्स्ट, इज स्क्वायर अ रोम्बस, तो रोम्बस में क्या क्या चीजें थी? पैरेललोग्राम था, ऑल साइड्स इक्वल थी, ठीक है ना। रोम्बस में क्या था? स्क्वायर भी था और सारी साइड्स इक्वल थी, तो ये भी होगा आपका यस। इज स्क्वायर अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो पैरेललोग्राम में था अपोजिट साइड्स इक्वल, जो कि हमें पता है स्क्वायर में भी होती है, या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल बोल लो, या टू पेयर ऑफ, वन सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अपोजिट साइड्स इक्वल की जगह मुझे पैरेलल बोलना है, सॉरी।
अपोजिट साइड्स पैरेलल, या फिर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आप बोल लो, तो ये स्क्वायर के अंदर होता है, तो यहाँ पे भी आंसर होगा यस। नेक्स्ट, इज पैरेललोग्राम अ ट्रेपीजियम? आई थिंक इसमें टाइम मेरा होने वाला है खत्म, तो इन क्वेश्चंस को मैं दूसरी वीडियो में आपको बताता हूँ।